प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद बहुजन समाज पार्टी ने संशोधित रायनी को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही जगहों से हटाकर बिहार में लगाया था, लेकिन बिहार में जबरदस्त विरोध के बाद अब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी को नया फैसला लेना पड़ा और बीएसपी अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी ने कार्यकर्ताओं के दबाव में अब संशोधित रायन को बिहार से हटाकर बंगाल में लगा दिया है। पहले आपको बता दें कि शमसुद्दीन रायनी का वेस्ट यूपी में विरोध हुआ था, उसके बाद उन्हें उत्तराखंड लगाया, उत्तराखंड से हटाकर अब आपको बता दें कि बिहार लगाया, वहां पर विरोध होने के बाद अब वेस्ट बंगाल में लगाया गया है। दरअसल आपको बता दें कि शमसुद्दीन रायनी पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे थे कि 50 जो सीटें हैं वो बीजेपी के साथ उन्होंने डील की थी, उसके बाद से उनका कार्यकर्ताओं की तरफ से जबरदस्त विरोध है वो लगातार किया जा रहा है। लेकिन बीएसपी की अध्यक्ष मायावती जी उन्हें पार्टी से बाहर तो नहीं कर रही, लेकिन जगह से इस जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर जरूर कर रही है। बंगाल में उन्हें हाल ही 10-15 दिन पहले लगाया गया था, लेकिन जबरदस्त विरोध के चलते सिर्फ 5-7 दिनों में ही वापस उन्हें हटाकर अब बंगाल में लगा दिया गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या बंगाल के कार्यकर्ता उन्हें एक्सेप्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते।